तो दोस्तों नोज़ोटो एप्लीकेशन के बारे में मैंने एक वीक पहले वीडियो बनाई थी और इसमें बोला था कि जब भी मेरा रिडीम कंप्लीट होता है, मतलब कि यहाँ पर 100 रुपये कम्प्लीट होने पर आप रिडीम लगा सकते हो पैसे, तो यहाँ पर मेरे रेफर के माध्यम से यहाँ पर 100 रुपये कम्प्लीट हो गए हैं और ये पेमेंट प्रूफ की एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि कितने टाइम में पेमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेफर के माध्यम से मैंने 101 रुपये यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और विड्रो अर्निंग टू योर बैंक। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है विड्रो करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो KYC आपको सबसे पहले तो कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट योर KYC पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो रेफर से अर्निंग की है, यहाँ पर आप अपना जो रेफर कोड किसी का डालते हो तो भी 20 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। मैंने दिलीप कुमार करके एक बंदा था, उसका रेफर कोड डाला था तो 20 रुपये मिले थे। और यहाँ पर रेफर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का अर्निंग आपको पर रेफर हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल मेरी 100 रुपये अर्निंग हो गई है, 101 रुपया यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट में। अब KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट योर KYC पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आएगा, वो तो ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया होगा तो यहाँ पर राइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल में जाना है, पर्सनल में आपको यहाँ पर पैन कार्ड, योर पैन कार्ड नंबर, इसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो जो होता है वो आपको अपलोड करना है और यहाँ पर पैन कार्ड में जो नाम है वो दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर जो कंट्री सिलेक्ट करनी यानी कि स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर गुजरात आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फॉलो करने के बाद नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल डालने का बोला जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में अभी भर देता हूँ। तो यहाँ पर KYC की जो पर्सनल डिटेल मैंने फिल कर दी है यहाँ पर और ये प्रोसेसिंग में चला गया है, 24 घंटे के अंदर यहाँ पर इस तरह से राइट आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस यानी कि बैंक डिटेल जो होती है वो डाल देनी है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं बैंक डिटेल डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल मैंने कंप्लीट कर लिए, KYC में अभी राइट नहीं आया है, 24 घंटे बाद वहाँ पर राइट आ जाएगा। अब हम आते हैं बैंक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट योर KYC में देख सकते हो KYC इज अप्रूव्ड विदड्रो योर अर्निंग। तो यहाँ पर विड्रो के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ क्योंकि KYC कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रो मनी पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे 101 रुपये है तो यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोसेस कर देता हूँ। प्रोसेस में यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी तो सीधा आपको प्रोसेस कर देना है। यहाँ पर प्रोसेस में कर देता हूँ और विड्रो नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये 100 रुपये मेरे विड्रो हो गए हैं। अब इसमें कितने टाइम में आते हैं तो अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं आ जाते हैं यानी। तो यहाँ पर विड्रो तो हो गए हैं और यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया है शायद, हाँ नोज़ोटो का यहाँ पर मैसेज आ गया है, व्हाट्सअप में ही मैसेज आ गए हैं। यहाँ पर किरण प्रजापति सक्सेसफुल योर विड्रो 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये मुझे रिसीव हो गए हैं। अब Paytm में भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मैसेज आ गया है तो यहाँ पर भी ऐड हो गए होंगे 100 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये का ये मैसेज अभी आ गया है और 100 रुपये ऐड हो गए। यहाँ पर नोज़ोटो फंड ट्रांसफ़र लिखा हुआ है आप देख सकते हो ऊपर, तो यहाँ से एकदम रियल अर्निंग एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको पेमेंट अच्छे खासी मिलती है, पर रेफर भी मिलती है और रैंक के हिसाब से अगर आपका रैंक अच्छा रहता है, डेली पोस्ट डालते हो तो उसका भी आपको स्क्रैच कार्ड मिलता रहता है और इसी से आपको अर्निंग होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।